के साथ बच्चों के मित्र और मार्गदर्शक भी बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों के 31,277 शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, 100 दिन में हर प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध होगी शुद्ध पेयजल की सुविधा। नियुक्तियों में शुचिता और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है यूपी सरकार। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का बुनियाद है। अगर बुनियाद बेहतर है तो उस पर बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त सहायक शिक्षकों का फर्ज बढ़ जाता है। आप बच्चों के लिए शिक्षक के साथ उनके मित्र और मार्गदर्शक भी बने, उनको शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार भी दें, खुद को बच्चों के लिए रोल मॉडल और प्रेरक बने। अगर आप ऐसा कर ले गए तो देश के भविष्य के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप बचपन में इन बच्चों को जो भी सिखाएंगे उसे वत्ता उम्र याद रखेगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर नवनियुक्त 31,277 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया की सुखद पूर्णाहुति करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी नियुक्ति हुई है उसका आधार सिर्फ मेरिट है। शुचिता और पारदर्शिता के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों के समक्ष एक नज़ीर प्रस्तुत किया है। नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग युवा हैं, स्वाभाविक है तकनीक से भी आपको लगाव होगा। पचन पाचन में तकनीक का अधिकतम प्रयोग करें, नवाचार करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इन स्कूलों में आएं। योगी जी ने कहा कि 3.5 साल में बेसिक स्कूलों में बुनियादी संरचना, शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूल ड्रेस के लिहाज से बहुत कुछ बदला है। यही वजह है कि इस दौरान बच्चों की संख्या में करीब 50 लाख का इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि आपकी लगन से यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले 100 दिन में सरकार सभी प्राइमरी स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इस संबंध में कार्य योजना तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर प्राइमरी स्कूल में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हमारी प्रतिबद्धता है। हम तो वर्ष 2019 में ही 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहते थे, पर कुछ लोग जिनकी आदत में बाधा डालना है वे लोग मामले को कोर्ट में ले गए। यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में हो रही है, आगे उसका निर्देश मिलते ही बाकी नियुक्तियां भी की जाएंगी। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद द्विवेदी ने भी सभी का स्वागत किया। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आभार जताया। इस अवसर पर मुख्य सचिव आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल समेत शासन और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नवनियुक्त शिक्षकों से योगी जी ने कहा, अब आंदोलन नहीं सिर्फ पढ़ाना है। 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ नवनियुक्त शिक्षकों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि नवरात्र के पावन पर्व के पहले मिली इस सौगात के लिए आप सबको सपरिवार शुभकामनाएं। यह सब आपके परिश्रम का नतीजा है। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आप में जो प्रतिभा थी उसे पहचान मिली है। आंदोलन बहुत हो चुका, अब सिर्फ पूरे लगन से बच्चों को पढ़ाएं, रेगुलर स्कूल जाएं, ऐसे नवाचार करें जो बच्चों को पसंद हो। मुख्यमंत्री ने लखनऊ की मंजुला त्रिपाठी, तनुजा सिंह, प्रिंस पटेल, कुणाल गौतम और कविता कुमारी गौड़ को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र भी दिया। बाकी जिलों में केंद्रीय मंत्री, जिला के प्रभारी मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में नियुक्ति वितरण के यह कार्यक्रम हुए। उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम सभी जानते हैं, जब से उत्तर प्रदेश में सन 2017 में योगी सरकार आई है, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता रही है उत्तर प्रदेश सरकार में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरना, अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देना और अन्य क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के कारण मैं संक्षेप में इतना कहना चाह रहा हूं कि पहली बार मैं दो बातें कहता हूं बार बार। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की पहचान ये थी कि गाँव के बाहर जो सबसे टूटी फूटी बिल्डिंग हो,
जिस पे छत हो या ना हो या टपक रही हो, चार दीवारी ना हो, वो पहचान थी कि वो परिषदीय स्कूल होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस पहचान को बदला है। आज किसी गांव के बाहर सबसे सुसज्जित बाउंड्री, बिजली, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर के साथ छात्रों की पूरी सुविधाओं से सुसज्जित और सबसे रंग बिरंगा अगर भवन कोई दिखाई देता है तो लोग बरबस ही बोल बैठते हैं कि ये लगता है प्राइमरी स्कूल है। और दूसरा, बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से हम लोगों ने पहले पहचान ये थी कि बहुत सारे स्कूलों में छात्र नहीं होते थे। एक विधायक होकर शुरू शुरू में चुनाव जीतने के बाद हम लोग जाते थे तो गांव वालों की यही शिकायत होती थी कि शिक्षक नहीं है और छात्र नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां शिक्षक ना हो, और हर विद्यालय में हमको जो ट्रेंड मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसमें आपके मार्गदर्शन की, आपके स्वयं के नेतृत्व की, आपके द्वारा शुरू किए गए स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प की, इन अभियानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सब के लिए मैं विभाग की ओर से आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जो हमारे ये प्रक्रिया है 69,000 की भर्ती में से 21,227 की जो भर्ती हमने पूरी की है, शेष को भी अगले चरण में जैसा माननीय न्यायालय का जब आदेश आ जाएगा उसको भी पूरा करेंगे। उसके इसमें जिनकी नियुक्ति हुई है ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आपका आशीर्वचन प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, और उनको भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि वह आए हमारे विभाग के, हमारे परिवार के सदस्य बने और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने में और उसका सबके सर्वसुलभ बनाने में अपना योगदान करें। के प्राप्ति बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए
अनेकों महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षकों की शिक्षण अवधि में बढ़ोतरी की गई है। इसके माध्यम से वर्ष में कम से कम 240 शिक्षण दिवस और सप्ताह में 25 किए जाएंगे। शुरुआती कक्षाओं से नन्हे विद्यार्थी सकारात्मक और रंगीन सजी कक्षाओं से बहुत कुछ सीखते हैं। कक्षाओं की अवधारणा बदलने के लिए प्रिंट रिच सामग्री, चार्ट, पोस्टर, रीडिंग बुक्स, मैथ किट, टीचर लर्निंग मटेरियल किट इत्यादि से क्लासरूम की बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। ऐसा माहौल बच्चों को पाठ्यक्रम समझने में मददगार साबित हो रहा है। शिक्षकों की सुविधा के लिए 3 हस्त पुस्तकाएं और ग्रेडिंग बुक्स भी दी जा रही हैं, जिनमें बुनियादी शिक्षा की तकनीकों हेतु आधारशिला मॉड्यूल, उपचारात्मक शिक्षा की तकनीकों हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एवं बेस्ट क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेतु शिक्षक संग्रह शामिल है। शिक्षकों को स्कूल लीडरशिप की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, साथ ही उन्हें क्लासरूम में इन सामग्रियों के उपयोग संबंधी विस्तृत ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। प्रेरणा सूची में निहित सभी लर्निंग आउटकम्स पर आधारित 20,000 से अधिक लेसन प्लान शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए हैं। 224 स्टेट रिसोर्स ग्रुप, 4,400 अकेडमिक रिसोर्स पर्सन एवं 42,000 शिक्षक संकुल को मेंटर्स के रूप में विकसित करने हेतु विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन मेंटर्स के द्वारा प्रतिमा 1.5 लाख से ज्यादा पर्यवेक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक ERP द्वारा क्लासरूम में 2.5 घंटे लगाकर शिक्षकों को क्लास मेंटर एवं गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रेरणा ऐप के माध्यम से डेटा आधारित रिपोर्ट की जाएगी। लर्निंग आउटकम के राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में आने के साथ ही पूरे राज्य में लर्निंग आउटकम्स पर आधारित तिमाही परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सभी 1,60,000 विद्यालयों में विद्यालय रिपोर्ट कार्ड और सभी छात्रों के घरों में छात्र रिपोर्ट कार्ड भी भेजे जा रहे हैं। छात्रों के लर्निंग आउटकम्स की प्रगति को ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। सभी छात्रों के लर्निंग आउटकम की प्रगति को समझने के लिए सभी विद्यालयों में प्रेरणा तालिका चस्पा की जा रही है। इसमें प्रत्येक छात्र के लर्निंग आउटकम्स की प्रगति को प्रधानाध्यापक और ERP द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है। सभी विद्यालयों में रीडिंग रूम और लाइब्रेरी विकसित की जा रही है, जिनमें 500 से 1,000 NCERT की किताबें उपलब्ध कराई जा रही है। प्री प्राइमरी शिक्षा में सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षा हेतु पहल पुस्तिका विकसित की गई है। NCERT द्वारा लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिसे December 2023 तक पूर्ण किया जाएगा। सभी छात्रों के लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षकों के अधिष्ठान संबंधी सभी प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल द्वारा पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन क्रियान्वित की जा चुकी है। इसमें सभी 5,80,000 शिक्षकों की सेवा पुस्तकाओं का भी डिजिटलाइजेशन किया गया है। एम स्थापना ऐप के माध्यम से अब तक 1 लाख से अधिक अवकाशों की ऑनलाइन प्रणाली से स्वीकृति दी जा चुकी है। सभी शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आवेदन मानव संपदा पोर्टल द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। शिक्षकों के नेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए स्थानांतरण एवं तैनाती की प्रक्रिया अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को सभी प्रकार की स्कूली सामग्री जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, पुस्तकें, कॉपियां, स्वेटर, स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे, स्कूल बैग इत्यादि मुफ्त मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा इन सभी संसाधनों की समय अनुसार आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। विद्यालयों के निरंतर प्रबंधन हेतु एक ही प्रांगण से संचालित होने वाले 25,000 विद्यालयों का संविलियन किया जा चुका है, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात में बेहतरी हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समावेशी शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि सभी वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा का समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत समर्थ प्रणाली के माध्यम से 1,30,000 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों की पहचान की गई है। 2,500 से अधिक स्पेशल शिक्षकों द्वारा इन दिव्यांग विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को भी ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न प्रकार के सहयोगी मेडिकल उपकरण, एस्कॉर्ट अलाउंसेस एंड स्टाइपेंड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत 3 लाख से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों को नामांकन के उपरांत मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और डेटा के आधार पर इनकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कोविड-19
वैश्विक महामारी एवं लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी के जरिए विभिन्न माध्यमों से कक्षाएं चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन दूरदर्शन पर 4 घंटे और आकाशवाणी पर 1 घंटा छात्रों पर केंद्रित शिक्षण एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षकों द्वारा बनाए गए 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिदिन अभिभावकों एवं बच्चों के साथ शैक्षणिक सामग्री साझा की जा रही है। इसमें 40 लाख से अधिक अभिभावक जुड़ चुके हैं। छात्र छात्राएं ऑनलाइन दीक्षा ऐप पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसके चलते कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विभिन्न पाठ्यक्रमों को दीक्षा ऐप पर 25 लाख डिवाइस पर डाउनलोड करके 1.25 करोड़ से ज्यादा बार कॉन्टेंट प्ले किया जा चुका है। दीक्षा ऐप में उत्तर प्रदेश द्वारा 5000 से अधिक वीडियोस शैक्षणिक सामग्री पाठ्यक्रम से मैप अपलोड किए जा चुके हैं। मिशन प्रेरणा के यूट्यूब चैनल पर कुछ कोटि के लर्निंग वीडियोस भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं ग्रीष्म अवकाश की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना से अच्छादित छात्र छात्राओं को 1,24,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया तथा खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहली बार 380 करोड़ रुपए की परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र अथवा उनके अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की गई है। इस पूरे अभियान की प्रगति एवं गति की नियमित रूप से समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही है, जिनके मार्गदर्शन में कार्य गतिमान है। बेसिक शिक्षा विभाग इस मिशन को एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयासरत है। इस मिशन में सबसे प्रमुख भूमिका शिक्षकों द्वारा निभाई जा रही है। शिक्षकों की सफलता की अनेकों कहानियां भी उभर कर आई है। आज शिक्षक की गुणवत्ता तथा इसके महत्व की खुलकर चर्चा हो रही है। इस जन आंदोलन के सामूहिक प्रयास से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश तीर्थ प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। हाँ नमस्ते, ये बांदा में हम बांदा से हैं। वहाँ पे श्री लखन स्वरूप चंदे जी हैं। लखन जी भाई, उनको सामने आने दो, बैठने दो पहले। लखन स्वरूप जी, आप बताइए, आप शिक्षा मित्र कब से थे? दो हजार एक से। और आज आप शिक्षक बन रहे हैं, पूरी तरह शिक्षक बन रहे हैं जी सर? आपकी सरकार में बताऊं सर। देखिए, यही तो हम लोग बोल रहे थे कि थोड़ा धैर्य रखिए और मेहनत करिए जी सर। आप लोगों आपने धैर्य रखा, मेहनत किया, तो शिक्षा मित्र से शिक्षक बन गया। अब आपके शिक्षक होने पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है जी सर। आपने अच्छा किया तो उसका अच्छे का परिणाम मिल गया ना आपको। अब मेहनत से पढ़ाएंगे क्यों? मेहनत से पढ़ाएंगे ना, स्कूल जाकर के मेहनत से पढ़ाएंगे जी सर।
अब तो नहीं धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे? मेहनत से पढ़ाइए। देखिए आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी बरेली। हाँ, निषाद बेगम जी है वहाँ पे? हाँ सर, सर है। निषाद जी जी नमस्ते सर। नमस्ते, आप तो शिक्षा मित्र आप ही रही है ना? जी सर। कब से शिक्षा मित्र आप थी? 2004 से। ओ, 2004 से ही आप लोग भी हैं। आज आप शिक्षक बन रही हैं? जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये सब आपके वजह से हो पाया है कि हम शिक्षक बने हैं। अच्छा, अब आप मेहनत से पढ़ाएंगे ना? जी सर। अब किसी प्रकार का जो है कोई पढ़ाई में स्कूल जाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी तो नहीं करेंगे? नो सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अपने बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को पढ़ा रहे हैं ना? जी सर। बालिकाओं को, खास तौर पर परिवार की बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको कुछ कहना है और कोई? नो सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को। रोहितास गौतम जी, रोहितेश, रोहितेश वहीं बैठ के बोलिए, वहीं बैठ बैठ गए, बैठ के बता दीजिए, मैं दिखाई दे रहा। रोहितेश जी आप अपनी बात बोलिए। फ्रेम के फोटो आने दो भाई, थोड़ा और थोड़ा फ्रेम में कर लीजिए, फ्रेम में चलिए। रोहितेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली का आपने क्या किया है? सर पीटीसी 2015 बैच के आप पीटीसी पास आउट हैं? जी सर। बहुत सुंदर, आज आप शिक्षक बन रहे हैं? जी सर। अभी कुछ ही देर में हमारे जो माननीय विधायक होंगे आपको वहाँ पे नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। जी सर। तो अब आपके लिए शिक्षक के रूप में एक बड़ी उपलब्धि है ये? जी सर बिल्कुल। तो कैसा लग रहा आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पिताजी का सपना भी था कि मैं टीचर बनूं। बहुत सुंदर, एक शिक्षक के रूप में आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, बच्चों को पढ़ाएं, यही आपके पिताजी की का सपना था ना? जी सर। तो आप एक योग्य पुत्र के रूप में अपने पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं? बिल्कुल सर। अब मेहनत से बच्चों को पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को। धन्यवाद मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि सभी प्रदेश में बेसिक शिक्षा के 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्यार के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअल संवाद के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण जो विभिन्न जनपदों में प्रभारी मंत्री के रूप में आज इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिलाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा अधिकारीगण और 31,200 से अधिक प्रदेश के नए शिक्षक
बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी प्रदेश के हमारे युवा शिक्षकगण, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और हम लोग 2019 में ही, हमारा प्रयास था कि अक्टूबर नवंबर तक हम 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर सकें। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का उन्नयन हो, जो लोग नहीं चाहते थे कि हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयास किया। लगभग एक वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहां से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, पूरी सुचितापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से, न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहां पर प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था और जो उसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। आज जब ये प्राप्त हो रहा है शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले, ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है, मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं आप सबको। और मुझे लगता है कि यही खुशी अब आपके जिम्मे है, प्रदेश के 1,80,00,000 उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए, जिन बच्चों के लिए शासन आपकी सेवा को लेने जा रहा है। और इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं बार बार शिक्षा मित्रों से एक बारे में आग्रह करता था कि देखिए आप लोग मेहनत करिए, कार्य करिए, आपको हम अवसर देंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। जिन लोगों ने मेहनत किया, यानी 31,227 में से 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं, आप देख सकते हैं। अभी बाकी जो बचे हुए हैं, यानी 69,000 में से केवल 31,227 को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इसमें 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं, यानी इनमें योग्यता थी, इनमें क्षमता थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इनकी योग्यता और इनकी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया और शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हुए जो रास्ता उन्होंने अपनाया, अंततः कोर्ट ने उसे खारिज किया। और एक समय तो ये भी नौबत आई थी कि शिक्षा मित्रों को व्यवस्था के बाहर करो, हम लोगों ने उस समय स्टैंड लिया था, कहा था कि नहीं, हम किसी शिक्षा मित्र को हटाएंगे नहीं, हाँ उसे वेटेज दे करके और हम प्रयास करेंगे कि उसकी नियुक्ति उसे प्राप्त हो जाए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 में से 6,675
शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति पत्र यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिन लोगों ने मेहनत किया था, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा जिन्होंने मेहनत करके एक सपना देखा था शिक्षक बनने का, उन लोगों को एकाएक हटाने का आदेश हमारे लिए स्वयं भी एक बहुत कठिन अवसर था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इनका मानदेय बढ़ा करके इन्हें कुछ समय के लिए रखेंगे, बाद में फिर इन्हें वेटेज दे करके इन्हें आगे बढ़ाएंगे, और आज ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। 31,227 के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को भी ये अवसर प्राप्त हो रहा है, ये उनकी मेहनत का फल है, और नहीं तो इनसे चंदा लेकर के मामले को लटकाने और भटकाने की जो कोशिशें होती थी, उन कोशिशों से हर व्यक्ति विज्ञ है। और मैं चाहूँगा कि अगर अन्य लोग भी उन षड्यंत्रों के प्रति सचेत हो सकें तो फिर हम लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर बहुत सारी गालियाँ भी सुनी हैं, लगातार इस पे अनलगल टिप्पणियाँ भी होती रहीं, लेकिन याद रखना योग्यता और क्षमता दोनों की कहीं उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और आज का ये अवसर इनकी योग्यता को सम्मान देने का भी एक अवसर है, और इनके अनुभव का लाभ बेसिक शिक्षा परिषद ले सके इसको भी जानने का एक अवसर है। मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 जो आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, इसमें आरक्षण के मानकों का भी भरपूर इसमें उसका पालन किया गया है, और खास तौर पर इसमें अगर हम देखेंगे तो 8,513 अन्य पिछड़ा वर्ग से, 6,615 अनुसूचित जाति से, और 216 अनुसूचित जनजाति के भी अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है। यानी ये चीजें बताती हैं कि आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, और हम लोग प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा में जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक नए नवनियुक्त शिक्षक आ रहे हैं, उसमें हम मानकों को पूरा करते हुए, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अपने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, यानी इनकी ऊर्जा का लाभ अब हम बेसिक शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर बेसिक शिक्षा परिवार में इनके आगमन पर इनका सबका अभिनंदन भी करता हूं, इन्हें बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। देखिए, पहले जब हम लोग आए थे 2017 में, तो 2017 में कुल 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ते थे। उस समय मैं देखता था बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जहां पर शिक्षक नहीं थे, कुछ में शिक्षा मित्र थे। इससे पहले शिक्षा मित्रों का विवाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफी माहौल खराब हो चुका था, हमारे सामने चैलेंज था। मुझे याद है श्रावस्ती प्रदेश का एक जनपद है जहां पे 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं थे। अब अनुमान कर सकते हैं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं, कैसे चलता रहा होगा। और फिर हम लोगों ने न्यायालय की बाधाओं को दूर करते हुए, तमाम प्रकार के विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में पहले चरण में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया, और उस समय बीएड को एनसीटीई ने इस प्रतियोगी इस व्यवस्था से अलग किया था। खैर, परीक्षा हुई, बहुत पारदर्शी तरीके से हुई, 42,000 से अधिक लोगों का चयन हुआ। इसके बाद फिर इस प्रक्रिया को और फिर दूसरी बार किया गया, और इस बार 69,000 शिक्षकों की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग 69,000 प्रदेश के नौजवानों को जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का अवसर आता कि कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में फिर चैलेंज किया।
कोर्ट में मामला चलता गया, कहीं भी प्रदेश सरकार की प्रक्रिया में खोट नहीं था। अंततः न्यायालय ने इसको स्वीकार भी किया, लेकिन एक साल केवल इसी में विलंब हुआ है। एक साल के विलंब के बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 31,227 शिक्षकों की तैनाती का आदेश तत्काल दिया है। हम लोग इन 31,227 को आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि जो शेष बचे हुए 69,000 में से उन्हें भी हम शीघ्र नियुक्ति पत्र दे करके प्रदेश में हर एक विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती कर सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती और योग्य शिक्षकों की तैनाती। देखिए, जो ये शिक्षक हमारे आ रहे हैं ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके पास अनुभव है, इन्हें टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं है, इन्हें हर प्रकार से शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ने में अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करने वाले हमारे नौजवान हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह एक अच्छी प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 में जब हम लाए थे 1,34,00,000 बच्चे थे, हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया। हम लोग जब गांवों में जाते थे देखते थे कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते मोजे नहीं है, हमने उनके जूते मोजे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके बच्चे स्कूल आते थे तो उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं पिछले 3-3.5 वर्ष, अभी यह सत्र हमारा प्रारंभ नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50,00,000 से अधिक बढ़ी है। आप अनुमान करिए 50,00,000 बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। इसका मतलब ये 50,00,000 बच्चे या तो पहले स्कूल नहीं जाते थे या फिर ऐसे स्कूलों में जाते थे जहां पे कोई भी सुविधा नहीं रही होगी, या उनके अभिभावकों को मोटी फीस दे करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा होगा। लेकिन आज हम इस बात को कह सकते हैं, मैं किसी भी गांव में जाता हूं मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के यूनिफॉर्म पहने हुए, जूते मोजे पहने हुए बच्चे वहां पर खेलते हुए दिखाई देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम ये बच्चा आज अच्छा जूता पहन पा रहा है, अच्छा मोजा पहन पा रहा है, अच्छी यूनिफॉर्म पहन रहा है, और सर्दियों में अब जाड़े से नहीं ठिठुरेगा बल्कि उसके बदन में भी एक स्वेटर होगी। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद से हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। मैं इसके लिए उन सभी बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए योगदान देने वाले अपने सभी शिक्षकों को, जिन्होंने मेहनत की, देखिए 2017 के पहले क्या होता था मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन 2017 अप्रैल 2017 में जब जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था, हर एक शिक्षक और शिक्षा मित्र इस अभियान के साथ जुड़ा था और उन्होंने व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके बेसिक शिक्षा में इन बच्चों के योगदान को आगे बढ़ाने में इसका योगदान, और उसका देखते हुए बहुत सारी जगहों पर हमारे शिक्षकों ने, प्रधानाचार्यों ने नए इनोवेशन किए, वहां पर उन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। और फिर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प की एक योजना चली, ऑपरेशन कायाकल्प उस समय मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव और वर्तमान में बरेली के जिलाधिकारी हैं श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जब वो जिलाधिकारी श्रावस्ती थे तो उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प उस समय प्रारंभ किया था, उन्होंने ये आइडिया हमारे सामने दी, उसके बाद फिर उसी आधार पर हम लोगों ने प्रदेश में इसको लागू किया था। आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर जो कुल 1,60,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में ज्यादातर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं।
यहाँ पर बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बन चुके हैं, फ्लोरिंग अच्छी हो चुकी है, अच्छी पेंटिंग हो चुकी है, अब विद्यालय विद्यालय दिखता है, किसी भी पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करने को तैयार है। फर्नीचर की भी व्यवस्था अधिकतर विद्यालयों में करने की प्रक्रिया हुई है, बहुत सारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी बने हैं, बहुत सारे विद्यालयों में लाइब्रेरी बनी है और बहुत सारे विद्यालयों को सोलर पैनल से जोड़ करके विद्युत कनेक्शन से भी आच्छादित किया है। और हम लोगों ने अगले 100 दिन का एक लक्ष्य रखा है कि अगले 100 दिन के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में शुद्ध पाइप पेयजल की व्यवस्था हम लोग हर हाल में करेंगे, जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल विद्यालयों में प्राप्त हो सके। ये कार्रवाई भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक विद्यालय के लिए बना दी है और मुझे लगता है ये कार्य बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। यानी सरकार के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं, शिक्षकों के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं। जब सरकार भी चाहती है, हमारे शिक्षक गण भी चाहते हैं, हमारे अभिभावक गण भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं, तो फिर कमी कहां रह जाती है। मुझे लगता है इस पर व्यापक मंथन किए जाने की आवश्यकता है और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद को हम लोगों ने एक महानिदेशक भी दिया है और महानिदेशक बेसिक शिक्षा के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा में कुछ नए परिवर्तन करने के प्रयास हुए हैं और विगत वर्ष से जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इन प्रयासों को हमें स्वीकार करना होगा। देखिए, अगर हम आज के समय में टेक्नोलॉजी से बचेंगे तो हम फिर विकास की मुख्य धारा से पीछे हट जाएंगे। हमें अपने को पीछे नहीं होने देना है, हमें विकास की मुख्य धारा से अपने आप को वंचित नहीं होने देना है। और जिसका गुरुतर दायित्व हमारे ऊपर है, अगर हम स्वयं ही इससे पीछे हटेंगे तो जिन बच्चों का दायित्व हमारे ऊपर है उन बच्चों के साथ क्या होगा। इसलिए हम टेक्नोलॉजी से जुड़ें, टेक्नोलॉजी उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक आधार बन सकता है। आपने देखा होगा अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या COVID-19 का जो कोरोना वायरस आया है इसमें हम क्या हर परिवार तक पैसा पहुंचा पाते। टेक्नोलॉजी नहीं होती क्या ये सुविधा हम गांव-गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर हम लोगों ने बनाए वहां पे लोगों को पैसे निकालने की सुविधा या पैसा जमा करने की सुविधा दे पाते। अगर हमारे पास सुविधा नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमने COVID-19 के दौरान 2 करोड़ किसानों को एक क्लिक करके पैसा उनके खाते में पहुंचा दिया। 87 लाख हमारे प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन है, उनके अकाउंट में एक क्लिक करके उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया। यानी टेक्नोलॉजी है तो हम ये काम कर पा रहे हैं और नहीं तो इसके नाम पे क्या होता था। इसके नाम पे पेंशन 300 रुपये उस समय मिलती थी उन गरीबों को, वृद्धजन को, महिलाओं को, अन्य लोगों को। उसका परिणाम क्या होता था कि वह पैसा वहां उनको प्राप्त नहीं होता था, वह जाते थे समाज कल्याण विभाग में या किसी विभाग में जाते थे। अब साल में उनको कुल पैसा 3600 भी नहीं मिलता था, लेकिन उसमें भी लेन देन शुरू हो जाता था। आज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से हमने पैसे में भी वृद्धि की और पैसा सीधे उन गरीब के खाते में, वृद्धजन के खाते में, निराश्रित महिलाओं के खाते में, दिव्यांगजनों के खाते में पैसा सीधे पहुंच रहा है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाए जा सकते हैं और इसी में जो नए सुधार बेसिक शिक्षा परिषद में प्रारंभ हुए हैं, खासतौर पर मिशन प्रेरणा के माध्यम से, मैं उस कार्यक्रम में था जब यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, बहुत अच्छी स्थिति पैदा हुई है। इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं खास तौर पर जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सब से कहूंगा ट्रेनिंग लेकर के हम इसको इस प्रकार के कुछ नए आइडियाज के साथ अगर हम जाएंगे स्कूल में अभिभावकों के पास, वे लोग आएंगे। मैंने देखा है जहां पे शिक्षकों ने थोड़ी भी प्रयास किया है वहां पर बच्चे
पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ करके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। हमें कुछ परिवर्तन देना पड़ेगा और इस पर एक नया संवाद हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। बहुत सारे नए बुनियादी जो है यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 3 वर्षों के दौरान, और मुझे लगता है कि इन सब का लाभ हमें लेना होगा। इसके माध्यम से हमें बच्चों को इसका लाभ देना पड़ेगा। अगर हम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिवर्तन हम लोग लाने में सफल हो सकते हैं। COVID-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है और जब तक COVID-19 का खतरा बना हुआ है, इसके संक्रमण की चेन को भी तोड़ने के लिए हर स्तर पर हमें प्रयास करना होगा। लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे जो शिक्षक गण हैं, हमारे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी गण हैं, कैसे हम लोग उस तबके तक, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वे बच्चे पढ़ते हैं जहां पर कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल मौजूद नहीं है, या जो गरीबी रेखा या मध्यम या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो ऑनलाइन शिक्षा के साथ नहीं जुड़ सकते। यद्यपि आपने दूरदर्शन के साथ पाठ्यक्रम को दिया है, लेकिन क्या गांव में जाकर के कुछ बच्चों को बिठा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्या हम ये व्यवस्था बना सकते हैं कि जब तक स्कूल कॉलेजेस स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक इन्हें हम जहां पे दूरदर्शन के साथ लोग जुड़ सकते हैं, दूरदर्शन के पाठ्यक्रम या आकाशवाणी के पाठ्यक्रम के साथ तो जोड़े ही, लेकिन गांव में जाकर के गांव में भी बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना करके उनके बीच में भी उनके पठन पाठन की एक व्यवस्था करा सकें और उनको हम पाठ्यक्रम के साथ और स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने की एक इस योजना को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि जो अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं ये न केवल विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, अपितु शिक्षकों के लिए भी और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी कर्मियों के लिए भी एक व्यापक परिवर्तन का आधार बन रहे हैं, जिसमें मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के सेवा विवरण, उनके अवकाश, उनके विभिन्न देयों का भुगतान, उनकी सेवा पुस्तिका, उनकी चरित्र पंजिका आदि के कार्यों में भी एक त्वरित और पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था करने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है। और ये प्रयास न केवल बेसिक शिक्षा के लिए बल्कि अन्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य विभागों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। बहुत सारे विभागों में पहले से है, लेकिन जहां पर नहीं है हम लोगों को इसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर से, आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि 31,000 से अधिक हम बेसिक शिक्षा परिषद को नवनियुक्त शिक्षक दे रहे हैं और ये नवनियुक्त शिक्षक शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हम उपलब्ध करा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है ये सभी नवनियुक्त शिक्षक आज अपने अपने जनपदों में प्रभारी मंत्रियों या हमारे वहाँ के सभी मान सम्मान्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये नियुक्ति प्राप्त करते हुए शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन और बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन के शासन की मंशा के अनुरूप अपनी सेवाओं को प्रदेश के, अपनी जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ी है इन्हें प्रदान करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से बेसिक शिक्षा परिषद को प्रदेश के 31,227 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन सभी 31,227 नवनियुक्त शिक्षकों का बेसिक शिक्षा परिषद में इनके आगमन का अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जीवन में परिश्रम
और मेहनत के इस महत्व को समझ करके बच्चों को भी उसके अनुरूप बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी जो हमारे मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी भी जुड़े हैं और अन्य हमारे जो प्रभारी मंत्रीगण जनपद स्तर के हैं, जो लोग आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के सानिध्य में आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो और आप सभी एक योग्य शिक्षक के रूप में समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।